Good morning, my dear students. A very welcome in my today's class. Today I am going to start our second poem of Honeysuckle NCERT textbook, that is The Kite, which is beautifully composed by poet Harry Benn. He is a very famous English poet who wrote many poems for children. So, without any more delay, let's get started. Now, let us have a general introduction of the poem. I have drawn a beautiful picture of the flying kite through words in this poem. Poet ne is poem ke dwara ek bahut hi beautiful picture darshaya hai about flying of a kite. We all love to see flying kites, but never noticed how it flies. Through this beautiful word picture of a flying kite, the poet is just persuading the readers to fly and notice its beautiful moves. तो poet ने इस poem के द्वारा ये बताया है कि हमने काफ़ी बार हम बच्चे enjoy करते हैं या फिर हम फ्लाई करते हैं काइट्स को या फिर हम उनको देखते हुए फ्लाइंग काइट्स को देखते हुए एंजॉय करते हैं, मगर हम कभी नोटिस नहीं करते दैट हाउ इट एक्चुअली फ्लाइज. सो अब पोएट ने ये कहा है कि अब जब हम नेक्स्ट काइट उड़ाएंगे तो हम उसकी हर मूवमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से नोटिस करें. और पोएट ने उसकी हर मूवमेंट को किस तरीके से नोटिस किया है उड़ते वक्त उसको देखते हुए, वो पोएट ने इस पोएम द्वारा कंपोज किया है. सो आई विल रीड ईच पैराग्राफ एंड पैराफ्रेज ईच स्टैंजा बिफोर यू वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. So dive, you can see here the meanings of the difficult terms. Like dive means to punch. जैसे समुंदर में एक diver, एक swimmer dive करता है, swimming करता है, ऊपर से नीचे जाता है, फिर नीचे से पानी को निकालते हुए ऊपर आता है. That is called diving. Dip means to bend. Snaps means cracking sound, and blue, it is a color, but here it is used for the clear sky without clouds. Yes, वैसे तो blue एक color है, मगर यहाँ पे it is used for describing the clear sky. So the poet is telling a new kite is wonderful to watch. जब नई नई एक पतंग उड़ती है आसमान में तो वो बहुत खूबसूरत लगती है देखने में. Diving and dipping in the blue sky, it moves its tail with a noise. ठीक जिस तरीके से एक स्विमर पानी में ऊपर और नीचे करता है, डाइविंग एंड डिपिंग करता है. डाइविंग मतलब ऊपर आ जाता है, फिर डिपिंग मतलब एक बार नीचे चला जाता है अपनी सांस रोक के. बिल्कुल जब एक काइट आसमान में उड़ती है, क्लियर स्काई में उड़ती है, तो ऐसा लगता है कि वो भी एक डाइवर की तरह डाइविंग कर रही है और वो अपनी टेल हिलाती है. और जब वो टेल हिलाती है तो उससे एक क्रैक साउंड भी प्रोड्यूस होती है. इट सोर्स हाई विद द विंड. और जैसे ही तेज़ हवा चलती है वो खूब ऊपर चली जाती है एक सोरिंग साउंड के साथ. वो सीधा खींच के ऊपर चली जाती है तेज़. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. Climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. Means again you can see the difficult terms. Soars matlab flying high, climbs to go up, sail means a cloth on a ship or a boat used to catch wind and help the boat to propel. Tides, rising and falling waves. Crest, mountain top or a tuft of feathers on the head of a bird or animal.
सो उसके बाद क्या होता है, सडनली राइजेज हाई लाइक अ शिप विद अ सेल्ड क्लोथ. एक बार जैसे ही हवा का झोंका तेज़ आता है तो हम क्या देखते हैं, सडनली इट सीम्स दैट द काइट राइजेज हाई. ठीक है, जैसे ही एक शिप में, जब समुंदर में पानी में काफ़ी ज़्यादा करंट होता है तो एक शिप काफ़ी ज़्यादा उस बहाव में बहती चली जाती है एक सेलिंग क्लोथ के साथ. ठीक उसी तरीके से काइट भी तेज़ उड़ता हुआ और ऊपर खींच के चला जाता हुआ दिखाई देता है. द काइट हैज़ ओनली वन सेल ऑफ स्ट्रिंग. इट राइड्स ओवर द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड क्लाइम्स टू देयर टॉप लाइक अ शिप. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग विंड के साथ ही ऐसे बहती हुई हवा में बहती हुई नज़र आती है. जैसे बिल्कुल पानी में भी क्या होता है, शिप जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है. ठीक है, तैर रहा होता है, बह रहा हो पानी में, और पानी का बहाव जहाँ जहाँ होता है, जैसे जैसे होता है, वो बहता हुआ उधर चला जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेलर होता है. वैसे ही हम, हमारी जो हाथों में काइट की डोर होती है, हम उसके कंट्रोलर होते हैं. बाकी हवा भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है काइट को उड़ाने में. जैसे जैसे हवा का बहाव होता है, उस डर में काइट का जो उड़ान है काइट की, वो उस दिशा में ज़्यादा जाती है. हाँ, बट फिर भी अगर हमारे हाथों से उसकी डोर निकल जाए, उस वो मिसप्लेस हो जाएगा हवा में, वो छूट जाएगा, तो इसीलिए हम जस्ट उसके कंट्रोल करते हैं. बाकी उसकी मेन उड़ान जो होती है वो हवा से होती है. अगर हवा तेज़ होती है तो वो अच्छी ऊंची उड़ती है, हाई उड़ती है, और जैसे ही हवा में एक फॉल आ जाता है तो वो भी ढीली पड़ जाती है. द काइट फ्लाइज हाई अप विद अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड देन फॉल्स टू द रेस्ट व्हेन द विंड फॉल्स. जैसे ही हवा का बहाव कम हो जाता है तो वैसे ही वो धीमी थोड़ी सी नीचे आ जाती है, फिर हम उसको पीछे से ढील देते हैं तो फिर वो ऊपर उड़ती है. लाइक दिस वी हैव टू कंट्रोल इट, वी हैव टू कीप ऑन कंट्रोल इट. व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. स्लैक का मतलब लूज हो जाना, ढीला हो जाना. व्हेन द थ्रेड टाइड टू द काइट लूजन्स द फ्लायर रन्स एंड रोल्स इट बैक. जब वही हवा का बहाव जब कम हो जाता है और काइट ढीली पड़ जाती है, उसका धागा थोड़ा सा और खींचना पड़ता है, जो उसका फ्लायर होता है यानी कि जो काइट उड़ा रहा होता है उसको भागना पड़ता है और उसको ऐसे रोल इट अप, रोल इट बैक करना पड़ता है. मतलब वैसे ही जैसे हम अपना मांजा छोड़ के उसको ढील देते हैं, वैसे करना पड़ता है काइट को, ताकि वो थोड़ा सा और ऊंचा जा सके, ऊपर जा सके. ही वेट्स टिल अ न्यू ब्रीज मीन्स एयर ब्लोज अगेन एंड फिल्स इट्स विंग्स विथ एयर अगेन टू हेल्प इट फ्लाई हाई. और उसको वेट करना पड़ता है कि दोबारा से एक तेज़ हवा चले और वो उसकी ढील में ताकत आए इतनी कि वो ऊंची उड़ सके. ठीक है, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, मगर अगर ज़रा भी आसमान में अच्छी सी ब्रीज, मतलब जो ब्लोइंग विंड है, वो नहीं होगी तो कभी भी अच्छी उड़ान नहीं मिलती एक काइट को. ये तो आप सभी को पता ही होगा. देयरफॉर इट्स मूवमेंट इज़ बीइंग डिटरमाइंड बाय द विंड. यस, काफ़ी हद तक चाहे हम कितने भी अच्छे फ्लायर हों काइट के, हमें जितनी भी अच्छी पतंग उड़ानी आती हो, मगर इसकी जो उड़ान है वो डिटरमाइंड होती है मोस्टली विंड पे. व्हेन द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग इट विल राइज हायर. जैसे जैसे हवा में ज़्यादा मतलब फ्लो होता है तो वो ऊंची उड़ती है, जैसे ही हवा धीमी पड़ जाती है, फ्लाइट उसकी जो फ्लाइट होती है वो भी स्लैक हो जाती है, मतलब लूजन हो जाता है उसका धागा और वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है, ऐसे डगबगाने लगती है. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी when it flaps on a string in the top of a tree. Flaps means flutters, slack means loose, and ragged means torn or lettered. So a kite looks very bright and beautiful on a clear sky. ये तो हम
फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन से ही पढ़ रहे हैं कि बहुत ही क्लियर स्काई में जब नई नई पतंग उड़ती है वो बहुत प्यारी लगती है. द सेम काइट विच लुक्स ब्राइट इन द स्काई व्हेन इट इज़ न्यू अपीयर्स अगली व्हेन इट इज़ टॉर्न आउट. और वही सेम पतंग जब काफ़ी देर तक उड़ते 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 कट जाती है और कट के फिर वो नीचे को आने लगती है. जब एक बार वो कट जाती है मतलब वो अब चाहे हमारे हाथों में धागा हो बट फिर भी वो अब नीचे की तरफ आने लगती है और हमारा कंट्रोल उस पर से छूट जाता है. चाहे अब वो विंड के साथ साथ उधर ही चली जाती है, केवल विंड पे ही उसका सारा बस होता है. तो वो जाके कहीं पे भी गिर सकती है, किसी पेड़ पे भी गिर सकती है. तो शुरुआत में जब वो न्यू उड़ रही होती है तब वो जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, लास्ट में जब वो ऐसे कहीं गिर के कहीं भी पेड़ पे ज़मीन पे कहीं पे भी ऐसे गिर जाती है तो वो उतनी ही ज़्यादा अगली यानी कि गंदी बदसूरत दिखने लगती है. इट लुक्स डर्टी एंड अनअट्रैक्टिव आफ्टर इट गेट्स ट्रैप्ड इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. रेगुलर मतलब ऐसे फटी हुई कोई चीज़, ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा गंदी अनअट्रैक्टिव जितने भी मतलब गंदे कंधे या नेगेटिव चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जो एडजेक्टिव्स हैं वो इस्तेमाल करे हैं पोएट ने, ठीक है. आफ्टर गेट्स ट्रैप्ड इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जब वो पेड़ के ब्रांचेस में फंस जाती है तब वो उतनी ही ज़्यादा बेकार और गंदी लगने लगती है. धूल मिट्टी एकदम डर्ट हो जाता है उसके ऊपर. देयरफॉर द मूवमेंट ऑफ द एयर डिसाइड्स द फेट ऑफ द काइट, यानी कि काइट की जो किस्मत है वो हवा ही डिसाइड करती है. और वो कितनी देर तक उड़ेगी और कब तक, जब तक वो आसमान में उड़ेगी तब तक ही उसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी, उसका अट्रैक्टिवनेस रहेगा. तो ये जो फेट है काइट का, मतलब जो उसका उसकी किस्मत है, उसका फॉर्चून है, वो उसकी जो मूवमेंट है, जो हवा की मूवमेंट है, उसी पे डिपेंड करता है. सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो एज वेल एज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम. होप आई मेड यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली दैट हाउ एक्चुअली अ काइट फ्लाइज. सो आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू सून. देन टिल देन यू जस्ट टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.